डैंड्रफ को खत्म करेगा, आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है स्किन में स्कैल्प में उसको खत्म कर देगा। इसलिए हमको टूथपेस्ट डालना है। हंसने वालों को हंसते रखने का, लेकिन समझाना भी जरूरी है, ठीक है। ये चारों चीजों के अगर आपके पास ग्रैनो की बॉटल है तो उसमें अच्छे से शेक करना है, अच्छे से मिलाना है, क्योंकि टूथपेस्ट मिलने में टाइम लेता है। अच्छे से मिला के होल के जरिए उसको आपके स्कैल्प में लगाओ। पार्लर वाले लोग आप बॉल में बना के आप स्कैल्प में लगा सकते हो, ठीक है। स्कैल्प में लगा के फिंगर टिप से क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज मसाज करना है, अच्छे से मसाज करना। ये मसाज भी करना जरूरी है क्योंकि ये वेन्स अपनी होती है जैम हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो यहाँ पर भी मसाज करना है। घर में हो तो अपनी बहन को करो, आप उसको करो, मम्मी को करो, इस तरीके से आप लोग घर में कर सकते हो। तो ऐसे लगा के उसको एक घंटे के लिए छोड़ देना। अब मैं क्या करती हूँ, जब सुबह में उठती हूँ, जब मुझे बाल धोने होते हैं, मैं लगा के अपना घर का काम करती हूँ। एक घंटे से ज्यादा भी टाइम हो तो नो प्रॉब्लम, लगा के आप छोड़ दो, फिर उसके बाद वॉश करो। हफ्ते में दो बार या तीन बार करना है। अभी आप लोग क्या कर सकते हो, ये तो दो हफ्ते में ये तीन लगाने के बाद उनको हुआ, ठीक है, हफ्ते में दो या तीन बार। आप लोग क्या कर सकते हो, हफ्ते में दो बार ये लगाओ और हफ्ते में दो बार ये लगाओ, ठीक है। इसको लगाने का तरीका क्या है, आप लोग कॉटन से पूरे जड़ों में लगा दो, ठीक है, फिंगर टिप से अच्छे से मसाज करो। हाँ, इसका कॉम्बिनेशन लेकिन है उसमें और के कोकोनट ऑयल भी ना, लेकिन कर सकते हैं। अभी ये वाला हमारे यहाँ वर्जिन कोकोनट ऑयल आया है, तो हम ग्रैनो ऑयल के साथ वर्जिन कोकोनट ऑयल को भी मिलाने लगते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास ये आया तो इसको दोनों को मिला के भी कर सकते हो, और ये तीनों को मिलाओगे तो सोने पे सुहागा। अगर इसको नहीं मिला कर रहे, इसको अलग से कर रहे हैं, तो ये तीनों का ट्रीटमेंट अलग करो, ये दोनों का ट्रीटमेंट अलग करो। इसको लगाओ, आधा घंटा लगा के छोड़ दो, थोड़ा सा वार्म करो, थोड़ा माइक्रोवेव में डालो या जरा सा थोड़ा वार्म करो, उसको अच्छे से मिक्स करो और पूरा कॉटन से लगाओ। कॉटन से लगाने का तरीका कैसा है, हेलो, कॉटन से लगाने का तरीका कैसा है, कॉटन को थोड़ा गीला करना है, डुबाना है, फिर स्कैल्प में लगाना है, फिंगर टिप से अच्छे से मसाज करना क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, और फिर इसको छोड़ देना आधा घंटा, उसके बाद वॉश करो, ठीक है। अगर आप टॉवल स्टीम ले सकते हो, मेरा एक सीडी है वहां पर, ये सीडी में सारा मसाज का सिस्टम वगैरह सब दिया हुआ है, किसी को चाहिए तो यहां से ले सकते हो, टूल को यहां से ले सकते हो। फेशियल है, मैनिक्योर पेडिक्योर और हेयर मसाज सब कुछ ट्रीटमेंट उसमें है, हाउ टू मसाज हेयर कैसे करना है सारा कुछ उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आप वो सीडी जिसको खरीदना है विशाखा से ले सकते हो। तो इसको लगाने का तरीका, मास्क भी है उसमें लगाने का, ठीक है, तो वो आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। अभी आप किसी को मिले, कोई गंजा आपको दिखा तो आप बात कर सकते हो। yes. हर एक को बाल गिरने का प्रॉब्लम है, हर एक को, जो भी औरत, क्यों है, क्योंकि हार्मोन चेंज हो रहे हैं, जो भी हम चीजें खा रहे हैं, पानी, हवा, पानी जो खा रहे हैं उसकी वजह से बाल गिर रहे हैं। पहले लोगों के बाल देखो कितने अच्छे थे, एक मिनट, हमारी दादी वगैरह कितने अच्छे बाल थे, हमको याद है, हमारी दादी नारियल को पीस के सील बट्टे पे दूध निकाल के हमारे सर में लगाती, तो पहले लोग इतना करते, आज तक तो नहीं करते सब लोग, चलो है तो है, और हम हिस्सा पर है तो और भी छोड़ देते, ठीक है। लेकिन एलोफेशिया मैं बता, एलोफेशिया कोशिश करते जाओ, ठीक है। तो ये तरीका हमारा फॉलिंग हेयर को स्टॉप करके न्यू हेयर ग्रोथ, सारे लोगों को, पहले आप अपने घर का तेल चेंज करो, कोकोनट ऑयल जो बाहर का लेते हो है ना, पैराशूट बहुत सारे, तो उसको चेंज करके आप, हमारा ये जो है, इसीलिए मैं ये नहीं कि मुझे सेल करना है इसलिए मैं बोल रही हूँ, मुझे सेल नहीं करना है, आजमाया हुआ है, फायदा हो रहा है। अभी अरबी लोगों ने मुझे वहां से वीडियो भेजा है, और एक एक जड़ी बूटी जो हमारी ऑयल में है उसके बारे में उन्होंने अरबी में ट्रांसलेट करके भेजा है, ये है ये है ये है। तो वो लोग जब इतना कर सकते हैं तो उनको तो इधर किसी क्या क्या जड़ी बूटी उनको तो पता है, ठीक है। तो ये वाला बहुत अच्छा है, चेंज करो बालों का तेल, पार्लर में तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हो आप लोग। 10 सेशन का ट्रीटमेंट दे दो, 10 बार बुलाओ, 10 बार ट्रीटमेंट दो, उनको बिठाओ, जब तक उनका मैनिक्योर पेडिक्योर करेगी तब तक ये सूख जाएगा, वॉश करो भेज दो, थर्ड ट्रीटमेंट में उनके बाल गिरने के बाद हो जाएंगे, फिर नए बाल आएंगे। आप क्या करना है, गंजा करके करोगे तो ज्यादा अच्छा है। अब ये हंस रही, औरतों को गंजा नहीं करना है, मर्दों को गंजा मतलब उल्टा उल्टा रेजर मारना, उल्टा रेजर मारना, उल्टा रेजर मार के अगर आप करते हो, रेजर या अस्तरा बोलते ना, अस्तरा अस्तरा
बिचारे समझते नहीं, मैं लोगों से अस्तरा मारो वस्तरा वस्तरा उल्टा वस्तरा मारना है, ठीक है। बाल अगर आपकी ऐसी ग्रोथ है तो ऐसे उल्टे निकालना है। उल्टे निकालना क्यों? क्योंकि पोर्स ओपन हो जाएंगे। जब उल्टे निकालोगे पोर्स ओपन हो गए, पोर्स ओपन हो गए तो ये चीजें अंदर जाके काम करना शुरू करेगी। यहां पर के बाल को ऐसे निकालना है, निकाल के मसाज करना शुरू करो और आप देखो दो एक ही हफ्ते में आपके फॉलिंग के स्टॉप हो गए। पार्लर में आप लोग लेडीज को बुला के कर सकते हो, 10 सिटिंग का सेशन लेना है। वहां पर मेरे जो स्टूडेंट्स है वो लोग 45 दिरहम पर सिटिंग लेते हैं। 45 दिरहम आपका हुआ 1500, ठीक है, वन सिटिंग का। तो आप लोग क्या सोच रहे हो, थोड़ा अगर एक बार शुरू हो गया तो वर्ड ऑफ माउथ। हमारा बिजनेस क्या है, इसने शुरू किया, इसको फायदा हुआ, इसको बताया इसको, तो इस तरह से आपके पार्लर भी चलेगा। बहुत सारी चीजें हम यूज करें, मेरे 10 साल मेरे पार्लर चला है, शहनाज हुसैन का डिप्लोमा है। मैं हर्बल करती थी लेकिन मुझे पता है ना उसका रिजल्ट कैसा है, और अभी ये प्रोडक्ट आपने देखा, आप पहली बार देखी, रिजल्ट सेम टाइम है, सेम टाइम आया, हमारे प्रोडक्ट का सेम टाइम रिजल्ट है। पार्लर वाले जो फेशियल करते हैं, जब फेशियल का रिजल्ट नहीं आता तो आप क्या बोलती हो, क्या बोलती हो, दो दिन बाद आएगा। देखो पार्लर वाले ही बोल रहे, ठीक है, पार्लर वाले बोलते हैं दो दिन के बाद आएगा। अरे इतना पैसा भरे चमक ही नहीं रहा चेहरा, कब चमकेगा, दो दिन के बाद। और बेचारे क्यों दो दिन के बाद जाके पूछेंगे मेरा चेहरा नहीं चमक रहा है क्यों, ठीक है, वो बर्दाश्त कर लेती चले जाती है। हमारे प्रोडक्ट से अगर फेशियल वगैरह कर रहे सेम टाइम रिजल्ट है, सेम टाइम आपको पता चलेगा। तो ये है प्रॉपर्टीज, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। सफेद बाल काले, इसमें भी इससे भी सफेद बाल काले होते हैं, ठीक है, और जो मैं ट्रीटमेंट देती हूँ उसमें भी होते हैं। तो सफेद बालों का जो जिसके सफेद बाल हुए उनके बालों का कलर चेंज होगा। अगर हेरिडिटी है, हेरिडिटी समझो मम्मी डैडी को या फैमिली में जनरेशन में ऐसा होता है जेनेटिक, तो उन लोगों के नहीं होंगे, किसी किसी के हो जाते हैं, लेकिन जिसके सर दर्द से धूप से टेंशन से हुए उनके फौरन चेंज हो जाता है, हुए हैं मेरे वालों के। बुढ़ापे में सफेद बाल थे, जवानी में आके काले हो गए। एक प्रोफेसर थे, जब मैं गई उसमें मीटिंग में 300 का क्राउड था, बीच में से उठ के बोले मैडम मेरी उम्र इतनी है कैसे होगा, ही 65 समथिंग, तो बोले मेरा कैसे होगा। मैंने कहा आप लगाना शुरू करो। 4 महीने के बाद फिर गई तो सामने बैठे थे, मेरे बाजू में आके बैठे, मैडम देखो इधर भी बाल आ गए, मेरे बालों का कलर चेंज हो गया, बच्चे बोले पापा जवान हो गए, बच्चे बोले पापा जवान हो गए, ठीक है। तो जिस जिस पापा को जवान होना है ये करते जाओ, ठीक है, तो आप भी जवान होंगे। जवान होने के लिए सही तरीके के लिए, दूसरी शादी के लिए नहीं बोल रही। तो ये तरीका हमारा, इस तरीके से कर सकते हैं।